चौपड़ी वाले बेटा बस बस अब ये गिरा है बाय बाय और अभी यहाँ के जो लोकल है मेरे गांव के बड़े जी मेरे साथ में, बड़े जी ये मंदिर है और ये माता रानी का मंदिर और गुफा की क्या मान्यता है इसकी, कैसे मतलब बना ये गुफा कैसे बनी यहाँ पे? गुफा महाराज ये तो बहुत पहले का बना हुआ था, उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे। हाँ जी, उस टाइम जो है खोज हुआ इसका, तब जाके शिव जी जो है वो तपस्या करा। किसने तपस्या की थी यहाँ पे? शिव जी ने। अच्छा, शिव शंकर भगवान ने। नहीं, 10 रुपये ओम नमः शिवाय।
चलो जो दर्शन होंगे चला बस अभी एक राय बाय बाय शक्ति गौरा माता की जय बोल गणाधिपति भगवान की जय बोल बजरंग बली भगवान की जय चलो चलो अभी तो ये था यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर और जो ये भोले बाबा की गुफा है, बहुत ही प्राचीन गुफा है और उसके अंदर ना गरुड़ भगवान की पत्थर की मूर्ति है, जैसे नेचुरली प्राकृतिक वाली, और हनुमान जी की भी मूर्ति थी वहाँ, और जो वहाँ पे लिंग है सेम केदारनाथ के जैसा था, सेम जैसे केदारनाथ में वीडियो में देख लिया होगा आपने। और अभी यहाँ के जो लोकल है मेरे गाँव के बड़े जी मेरे साथ में, बड़े जी है ये मंदिर है और ये माता रानी का मंदिर, और गुफा की क्या मान्यता है इसकी, कैसे मतलब बना ये गुफा कैसे बनी यहाँ पे? गुफा महाराज ये तो बहुत पहले का बना हुआ था, उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे। हाँ जी, उस टाइम जो है खोज हुआ जिसका, तब जाके शिव ने जो है वो वहाँ तपस्या करा। किसने तपस्या की थी यहाँ पे? शिव जी ने। अच्छा, शिव शंकर भगवान ने। उनका पांच पांडा प्रभु थे। हाँ जी, यहीं से वो जो है वो गुण लोग बैठा उधर गया। अच्छा, लाख मंडल। हाँ जी हाँ जी, बस तब जाके इसके प्रचार हुआ। हाँ जी हाँ जी, गौ के लिए पानी गए, मुक्त गंगा निकला, शिवलिंग निकला, ज्योति मुख लिंग निकला। अच्छा, पंच मुख, और ये बोलो बोलो आप बोलो। हाँ, अच्छा, वहाँ पे जैसे लग रहा है ना वहाँ महाराज जी देखा, वो चूहा देखा हुआ, और वहाँ पे वो जो नदी आ रही है, वो पानी है, वो हाँ, नदी कौन सी नदी है वो? अच्छा, गंगा मैया का। हाँ, गुप्त गंगा है जी। अच्छा, और वो गरुड़ भगवान की भी फोटो, मूर्ति भी एक पत्थर की, और एक हनुमान जी की भी। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, जय माता दी, जय भोले बाबा। आप भी हो चार धाम यात्रा पे या दो धाम यात्रा पे, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में, यहाँ पे मेहर गांव, अभी हम लोग आ रहे हैं यमुनोत्री से, तो यमुनोत्री से होके गंगोत्री जा रहे हैं, तो इसी के बीच में ये मेहर गांव, तो यहीं पे है, और ज़बरदस्त गुफा थी भाई वो।
जय भोलेनाथ। वो विमला तुलसी कहाँ मिलती है? विमला नहीं मिलती, राम तुलसी मिलती है। विमला भी मिलती है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी पहाड़ी कल्चर ट्रैवलिंग ब्लॉग और गांव के वीडियोस के लिए तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। दी एंड, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग माई अदर ब्लॉग्स। जय श्री कृष्णा, जय नागेंद्र देवता, जय माता रानी, जय गंगा मैया, जय देव भूमि उत्तराखंड। आई लव माई ऑल डियर एंड नियर सब्सक्राइबर्स। बाय बाय।